किम छो बच्चे पार्टीज ऑल गुड लाइफ में ऑलवेज हैप्पी रहा करो, ठीक है। दुख परेशानी संपत्ति ये सब तो आती जाती रहती है, ठीक है। लाइफ में बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचो, ठीक है। मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना हो गया, ठीक है, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैं सोचूंगा ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा हमेशा क्यों होता है, ये नहीं, ये सोचो कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ रीजन होगा मेरे लाइफ में कुछ और इनहेंस करने के लिए, मतलब कुछ और अचीव करने के लिए। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आपको मौका दिया जाए कि आप उसको अच्छे से पढ़ के उसके और स्कोर ला सके, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अभी वीक है एक साल और उस पर अच्छा से मेहनत करिए और पूरे टॉप बन के दिखाइए, ठीक है। हिस्ट्री ऐसे नहीं बनता है, मैक्सिमम ऑफ फेलियर्स उसके बाद मैक्सिमम लोग फेल होके उसके बाद हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए आज के टॉपिक में देखते हैं, आज जनरली हम लोग होम मेनू पढ़ेंगे, ठीक है, फाइल मेनू हो गया था, आज हम लोग होम मेनू पढ़ेंगे। आइए होम मेनू में कौन कौन से कमांड से देखते हैं। पहला कमांड क्या है, अंडू, बहुत लोग सुने होंगे अंडू। अंडू क्या होता है, सपोज कीजिए हम लोग कहीं रास्ते पे चल के जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग रास्ते पे चल के जा रहे हैं, अब चलते चलते हमारा जो फोन है या हमारा जो वॉलेट है हमारा जो पर्स है वो पीछे रास्ते पे गिर गया, हम लोग जो चलते चलते जा रहे हैं तो हमारा वॉलेट है जो पीछे गिर गया, अब जब गिरा तो हम लोग क्या चलते जाएंगे, नहीं ना, हम लोग रुकेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, उस जो वॉलेट और पर्स को उठाएंगे, उसके बाद फिर अपने जेब में डालेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो जनरली अंडू का यही काम होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने वर्क में जैसे आपको एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें आप टाइप कर देते थे आगे चल गए, ठीक है, अब बाद में आपको रियलाइज हुआ कि कुछ वर्ड हमको वहां नहीं लिखना था, उसको बैक आना, मतलब कुछ स्टेप आप आगे चल गए उससे हमको बैक आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडू का यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखते अंडू, दिस कमांड इज यूज्ड टू मूव वन स्टेप बैक इन करंट एक्शन, क्या बोला, दिस कमांड इज यूज टू मूव वन स्टेप बैक इन करंट एक्शन, मतलब जिस एक्शन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उससे हम लोग एक स्टेप बैक आने पे मदद करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका स्टेप्स क्या है, फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, मैंने जो मेरा थ्री इडियट का नॉवल है वो मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है, मेरा जो थ्री इडियट का नॉवल था मैंने उसको प्रिपेयर किया, ठीक है। आइए मॉनिटर पे देखते हैं, ये जो मेरा थ्री इडियट का नॉवल है ये मैंने लिखा, ठीक है। अब लिखने के दौरान पे मेरे जगह जो आमिर खान का कैरेक्टर था, आमिर खान के नाम की जगह मेरे पास कोई और कैरेक्टर आ गया, जैसे आमिर खान की जगह हम शाहरुख खान को ला दिए, ठीक है। थ्री इडियट में सपोज करिए जो आमिर खान का कैरेक्टर था उसके जगह हम शाहरुख खान को लेता है, अब कहीं ना कहीं हम तो गलती कर दिए कि आमिर खान को हमको सेट करना था, जो राइटर होता है फिल्म का राइटर वो पहले क्या करता है, पहले स्क्रिप्ट लिखता है, जो भी फिल्म बनाता है वो उसको पहले स्क्रिप्ट पहले तैयार करता है, वो स्क्रिप्ट उसको डायरेक्टर को देता है, डायरेक्टर हर एक्टर को देता है जो जो उस पर कास्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, मैं एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ थ्री इडियट्स का, अब मैंने उसे आमिर खान के जगह पे शाहरुख खान को ले लिया, तो मैं जो आमिर खान का नाम है उसको हटा के मैं शाहरुख खान करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने आमिर खान का नाम टाइप किया तो मैंने सोचा आमिर खान इसमें सुटेबल नहीं होगा, शाहरुख खान को ले लेते हैं, तो क्या करेंगे हम, अंडू करके जो आमिर खान का नाम है वो एक स्टेप बैक आ जाएंगे, ठीक है। जो हम लोग आमिर खान का नाम लिखे एक स्टेप आगे चले गए थे, हम लोग अंडू करके एक स्टेप बैक आ जाएंगे ताकि हम शाहरुख खान को उसमें फीड कर सके, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेप्स, तो नाउ सेलेक्ट एनी वर्ड एंड डिलीट इट, मतलब हम शाहरुख खान आमिर खान के नाम को सेलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, ठीक है, और देन प्रेस कंट्रोल जेड, जब शाहरुख आमिर खान के नाम को डिलीट कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, आमिर खान के नाम को लिखेंगे, ठीक है। आइए स्टेप देखिए, स्टेप जनरली क्या बताता है, फर्स्ट पे योर डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, नाउ सेलेक्ट एनी वर्ड, किसी वर्ड को हम सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए आमिर खान को, ठीक है, जनरली ए डबल ए होता है, आमिर खान को, अब क्या करेंगे, नाउ सेलेक्ट दी एनी वर्ड एंड डिलीट इट, आमिर खान को हम सेलेक्ट किए उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। आमिर खान को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करने के बाद क्या बोलता है, देन प्रेस कंट्रोल जेड, जब डिलीट करने के बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए, स्टेप आगे बढ़ के इसको डिलीट कर दिए, ठीक है, हम लोग किसी को जाके डिलीट कर दिए, आमिर खान को लोग डिलीट कर दिए, अब हमको उसको फिर से बैक लाना, तो क्या करेंगे, अंडू का यूज करेंगे। मान लीजिए ऐसा जनरली लाइफ में होता नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं, हमको जब बहुत गुस्सा आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी चीज हमारे हाथ में हो या अपना फोन हो या लैपटॉप हो, हम लोग क्या कहते हैं, पड़क के तोड़ देते हैं, कैसे, पट से मार के तोड़ते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं पट से हेड शॉट। तब जब गुस्सा ठंडा होता था हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार नहीं तोड़ना चाहिए था, है ना, तो हम लोग जल्दी सोचते हैं कि अगर हम उस टाइम उस अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिए होते तो आज मेरे हाथ में मेरा फोन होता, ठीक है। तो जनरली
प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर लाइफ में ये पॉसिबल है। अगर जनरली आप अपना फोन को मार के तोड़ भी देते हैं इन कंप्यूटर लाइफ, तो आप अंडू कमांड से एक स्टेप बैक आ सकते हैं। जब आप उसको फोन को फेंकने जाते हो, जैसे सपोज करो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं क्या करूंगा फोन को लिए हाथ में, जब मैं फेंकने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, फेंक दिया तोड़ दिया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, मैं क्या करूंगा अंडू से एक स्टेप बैक आ जाऊंगा। जब मैं फेंकने वाला रहूंगा तो अंडू कर दूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, जो मेरा गुस्सा होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल लाइफ से रिलेट करके बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये देखते हैं। एज रिजल्ट टू मूव वन स्टेप बैक इन करेक्ट एक्शन, मतलब मैंने जो मोबाइल मार के तोड़ दिया तो ये अंडू कमांड से वो बैकवर्ड में आ गया, मतलब जब मैं तोड़ दिया उससे पहले जब मेरे गुस्से में हाथ में था फोन तो उस शेप में आ गया कि मेरा हाथ में फोन आ गया, जिससे कि मेरा फोन जो था वो बच गया। ठीक है, अब आते हैं रीडू कमांड। अब रीडू कमांड उसका वाइस वर्स है। ठीक है, देखिए क्या होता है। रीडू दिस कमांड इज यूज्ड टू मूव वन स्टेप फॉरवर्ड इन करंट एक्शन। मान लीजिए आपको जैसे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है, क्या करना हम लोग को, जैसे कि क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं फोन को तोड़ने जा रहे हैं। अब मेरे हाथ में फोन है, ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हम इसको फेंक के तोड़ देंगे, ठीक है, या इसको पटक के तोड़ देंगे, तो हम लोग एक स्टेप आगे का सोच रहे हैं। अगर वो स्टेप आगे का हम लोग कर दिए तो मतलब कि वो एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरली हम लोग जब रास्ते में चलते हैं चलते चलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़, एक स्टेप बढ़ा बढ़ा के चलते हैं, जैसे एक स्टेप, दो स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, फाइव स्टेप, हम लोग कैसे चलते हैं ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ा के चलते हैं। और रीडू कमांड क्या कहता है, मान लीजिए आप इस स्टेप पे हैं, रीडू कमांड आपको इस स्टेप पे ला देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, आइए इसके स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ सेलेक्ट एनी वर्ड एंड डिलीट इट। जैसे कि मैं थ्री इडियट का जो नॉवल लिख रहा था उसमें मैंने आम एक आपको सेलेक्ट किया, ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद क्या करूंगा, देन प्रेस कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड मतलब अंडू कमांड, कंट्रोल जेड से मैं इसको जो डिलीट किया वो वन स्टेप बैक आ जाऊंगा। वन स्टेप बैक आने से मतलब कि मैंने जो आमिर खान को डिलीट किया वो फिर से आ गया आमिर खान। ठीक है, मैंने आमिर खान को जो डिलीट किया वो आमिर खान फिर से आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, नाउ प्रेस अगेन कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई मींस रीडू कमांड का शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू कमांड का शॉर्टकट की है, मतलब मैंने पहले क्या किया आमिर खान को सिलेक्ट किया तो उसको डिलीट किया। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं उसको बैकवर्ड लाया, मतलब मैं आमिर खान को डिलीट किया उसके बाद फिर मैं उसको बैकवर्ड लाया, और बैकवर्ड लाने के बाद कंट्रोल वाई से क्या किया फिर से उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये स्टेप मैंने चला, या चला ये चला यहाँ आया, फिर मैंने एक स्टेप बैक आ गया। ठीक है, एक स्टेप बैक आने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर एक स्टेप आगे चल जाऊंगा, तो फिर से मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं चलते चलते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करें, एक स्टेप बैक आ गए, एक स्टेप बैक आने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब फिर से वही पोजिशन में आ गए। तो यही होता है रेडू कमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कट कमांड। जनरली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कट का बहुत यूज करते हैं, कैसे, बहुत कुछ सोच लेंगे, ये वाला कट ऐसे दिखाते हैं, ये वाला कट ऐसे, ये कट नहीं, जनरली ये कट नहीं, ये कट तो बिल्कुल भी नहीं, अपने बॉडी का ब्लड वेस्ट करना मतलब जिंदगी वेस्ट करने के बराबर है। ठीक है, ये वाला कट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली मान लीजिए आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हो तब क्या कहते हो, किसी भी क्रिकेटर या प्रोजेक्ट का जो मेन आइडिया होता है, जो सेंट्रल आइडिया होता है, उसका फोटो हम लोग कट करके प्रोजेक्ट में चिपकाते हैं। जनरली हम लोग बस यही करना है, कट मतलब क्या, किसी चीज को काट के उसको कहीं चिपकाना है, हम किसी चीज को अगर काटेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग चिपकाएंगे ना उसको, तो कट का फॉर्म बस यही है, किसी भी चीज को हम लोग काट के कहीं ना कहीं चिपकाना था। इसका डेफिनेशन देखते हैं, कट दिस कमांड इज यूज टू कट एनी सिलेक्टेड आइटम। कट का यूज क्या होता है, कट कमांड का यूज करता है किसी भी सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए। ठीक है, एंड इट कैन बी स्टोर ऑल द कट आइटम, जो कट आइटम को लोग कट करते हैं वो एमएस वर्ड में स्टोर रहता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ लाइन लिखा, जैसे राम इज अ बॉय, ठीक है, बॉय छोड़िए, कुछ इंटरेस्टिंग लिखते हैं, राम इज अ लव बॉय, ठीक है, राम इज अ लव बॉय, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को जब सेंटेंस करेंटली लिखना है तो क्या करेंगे, हम लोग जो ये है लव है, लव को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसको कट कर देंगे। ठीक है, जब लव को हम लोग सेलेक्ट करके कट करेंगे तो ये लव जो है यहां से तो कट हो जाएगा, लेकिन एमएस वर्ड में वो स्टोर रहेगा। मान लीजिए हम कहीं और लव का यूज करना है तो कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट करना, कंट्रोल प्लस वी से इसको जो कट किए हैं, इसको जो कट किए इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो यहां से हम इसको काट रहे हैं इसको कहीं ना कहीं हम लोग जाके चिपकाएंगे ना, तो कंट्रोल एक्स कट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, मतलब
ये शॉर्टकट CTRL Ctrl+X से हम लोग कट करते हैं, ठीक है। एक्स जो देखिए, ये एक्स है ना, ये एक्स ये सीजर की तरह दिखता है, तो बस Ctrl+X से हम लोग किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। कोई भी जैसे इस टेक्स्ट को हमको कट करना, तो Ctrl+X करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम कहीं इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग चिपकाएंगे ना। मान लीजिए किसी चीज को हम लोग काटे, इसको मान लो लव को हम लोग काट दिए, तो कहीं ना कहीं जाकर हम चिपकाएंगे। तो जहां चिपकाना हो Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V मतलब पेस्ट। Ctrl+V का क्या यूज होता है, ये शॉर्टकट कीज है। जब आपको हम शॉर्टकट कीज बताए थे तो हमको बताया था ना कि किसका यूज क्या होता है। Ctrl+X से हम लोग कट करेंगे, Ctrl+V से हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लव को हम यहां से कट किए तो क्या हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। जब हम लोग लव को कट कर दिए तो क्या सेंटेंस हो गया, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो कट का यही यूज होता है। ये स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे राम इज अ गुड बॉय या राम इज अ लव बॉय, ठीक है। लव बॉय को मैंने किया, उसके बाद नाउ सिलेक्ट सम लाइंस, कोई लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, हम लव को सिलेक्ट किए, ठीक है। ये लव वर्ड को हम सिलेक्ट किए, उसके बाद क्या करेंगे, एंड चूज ऑन कट कमांड। हम लोग जब लव को सिलेक्ट किया करेंगे तो ये मॉनिटर पे आपको होम मेनू में कट कमांड दिखेगा। ये होम मेनू है, ये होम मेनू में आपको यहाँ पे कट कमांड दिखेगा, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, लव को सिलेक्ट करेंगे, लव को सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू में क्लिक करेंगे, होम मेनू क्लिक करने के बाद कट कमांड में क्लिक करेंगे। कट कमांड में जैसे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे क्या होगा, जो लव होगा यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। लव जो होगा यहाँ से कट हो जाएगा, कट होने के बाद क्या सेंटेंस बनेगा, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो उसके बाद एज रिजल्ट योर सिलेक्टेड लाइन विल बी कट। क्या बोलता है, जब हम लोग कट कमांड को चूज करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो जो सिलेक्टेड लाइन होगा वो कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन सी कट आइटम, आप किसी भी कट आइटम को सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको लव को कट किया यहाँ से, तो मैं यहाँ के इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट किया तो इसमें जो इसको कट किया, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ से काट के इसको यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। जब बस सेंटेंस यही बोल रहा है। उसके बाद देन प्रेस Ctrl+V टू पेस्ट इट, मतलब जो इसका जो सेंटेंस है, जो स्टेप्स है, ये कह रहा है कि हम लोग पहले एक पैराग्राफ बनाएंगे, राम इज अ लव बॉय, उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर वर्ड को जिसको हमको कट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने लव को सिलेक्ट किया। अब लव को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कट कमांड में जाने के बाद कट कमांड को क्लिक करेंगे। कट कमांड को क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि राम इज अ गुड बॉय हो जाएगा, बीच से लव निकल जाएगा, मतलब राम इज अ लव बॉय से लव निकल के राम इज अ गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, जब कट गया उस कट को जो हम काटे हैं, जिसमें वो लग को हम काटे हैं, उसको हमको देखना है कि हम क्या कट किए हैं, तो Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर देंगे, कहीं भी कोई भी अदर फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग कट किए हैं वो दिख जाएगा, ठीक है। जल्दी कट का यही यूज है। अब क्या आता है, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड को लोग क्या यूज करते हैं, जनरली हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, हम लोग जब भी कुछ हमें नहीं आता तो हम लोग आगे वाला का देख के कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं 10th का एग्जाम दे रहा हूँ, तो जब मुझे आगे का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आगे वाला बच्चा लिख रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि आगे वाला बच्चे का मैं देख के जस्ट टू कॉपी करूंगा, मतलब जो वो लिख रहा है उस क्वेश्चन का आंसर, उसी को मैं देख के सेम टू सेम इसमें अपने कॉपी में उतार दूंगा, मतलब सेम टू सेम अपने डॉक्यूमेंट में लाना, मतलब इसको कॉपी करना कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए मिमिक्री कर रहा था, मतलब कोई भी किसी एक्टर का मिमिक्री कर रहा था, मतलब वो उसकी आवाज ही कॉपी कर रहा है, ठीक है। कोई एक्टिंग करता है, मान लीजिए कोई अमिताभ बच्चन का एक्टिंग करता है, तो वो क्या कहता है, अमिताभ बच्चन का कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो आइए कॉपी कमांड का यूज करते हैं। कॉपी, दिस कमांड इज यूज टू कॉपी एनी सिलेक्टेड आइटम, किसी भी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन यू सी ऑल कॉपीज आइटम इन प्रेस Ctrl+V, मतलब आप किसी भी चीज को अगर कॉपी करेंगे, अगर उसको आपको देखना है, तो Ctrl+V से मतलब पेस्ट करेंगे कहीं भी, तो आपको दिख जाएगा कि आप क्या कॉपी किए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका स्टेप्स। फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, मैं अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा, ठीक है, मेरा जो नॉवेल मैं उसको प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद नाउ सिलेक्ट इट, जैसे राम गो टू बार, ठीक है। राम अब बड़ा हो गया, राम अब स्कूल नहीं, राम अब बार जाता है, ठीक है। हाँ, राम अब बड़ा हो गया, राम गो टू स्कूल नहीं, राम गो टू बार, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लिया, राम गो टू बार, ठीक है। अब क्या कहते हैं, नाउ सिलेक्ट इट, मान लीजिए मैंने जो बार है, बार को इंटरचेंज करके मुझे कहीं और कॉपी करना है, ठीक है। जो बार वर्ड है मुझे कॉपी करके कहीं और कहीं को यूज करना है, तो क्या करेंगे, बार को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, देन गो टू होम मेनू। जब मैंने बार को सिलेक्ट किया तो होम मेनू में क्लिक करेंगे, यहाँ होम मेनू होगा, उसमें क्लिक करेंगे। होम मेनू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, नाउ चूज ऑन कॉपी कमांड। होम मेनू पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे हमको कॉपी कमांड दिखेगा कहीं इधर साइड, ठीक है।
तो कॉपी कमांड में मैं क्लिक करते ही ये जो मेरा बाग है ये बाग मेरा कॉपी हो जाएगा, मतलब हूबहू कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस बाग को कहीं भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस के बीच में या स्टार्टिंग में या एंडिंग में मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं नेक्स्ट, एज रिजल्ट योर सिलेक्टेड आइटम विल बी कॉपीड, जो मेरा बाग जो सिलेक्टेड आइटम था वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, नाउ यू कैन सी ऑल कॉपी आइटम प्लेस कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट। ठीक है, याद करिए कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट, और इसको कॉपी करने का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जो ये होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। मुझे अगर कॉपी करना है ये जो स्टेप लिखा हुआ, सिंपली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कॉपी करना है तो इन शॉर्टकट वे में क्या करूंगा, मैं राम गो टू बार लिखूंगा, और अगर बार मुझे कॉपी करना है तो मैं बार को पहले सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी प्लेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करने के बाद जो बार ऑप्शन होगा वर्ड वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मुझे ना इस पे होम मेनू पे क्लिक करना पड़ा, ना कॉपी पे क्लिक करना पड़ा, मैं क्या करूंगा बार को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस सी से इसको कॉपी कर लूंगा। और कहीं पे हमको यूज हुआ, मान लीजिए यहाँ यूज करना है सेंटेंस में बार का, तो मैं यहाँ क्या करूंगा कंट्रोल प्लस वी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो जनरली कॉपी का यूज यही होता है। ठीक है, अब क्या आता है, आता है पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड का हम लोग इतना बार बता चुके हैं, क्या बताने की जरूरत है, पेस्ट कमांड मैंने कॉपी कट में इतना कुछ बताया, बताने की जरूरत है। अरे बबुआ लोग, पेस्ट कमांड को मैंने इतना बार यूज किया कि कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है, किसी भी आइटम को हम लोग कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो उसको पेस्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, और वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, लैला बोलती है कि पेस्ट कमांड का यूज हम लोग कैसे करेंगे, आप किसी भी वर्ड को अगर कट किए तो लैला बोलती है कि इसको पेस्ट कैसे करिएगा, तो लैला को समझाइए कि लैला मैडम पेस्ट करेंगे, पेस्ट कमांड का डेफिनेशन क्या है, This command is used to paste any selected copy and cut item. मतलब लैला मैडम किसी भी कमांड को हम लोग कॉपी या पेस्ट कमांड ये है कि किसी भी वर्ड को हम लोग अगर कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो उसको अगर कहीं ना कहीं हमको पेस्ट करना रहा तो उसके इसके लिए हम लोग पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, पहले हम लोग अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्या लैला को ही ले लेते हैं, लैला इज अ गुड गर्ल, लैला इज अ गुड गर्ल, लैला एक अच्छी लड़की है, सॉरी यहाँ डी छोटी है, लैला इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो लैला मैडम को बोलेंगे फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, अपना पहले आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए। लैला मैडम आपने क्या कहती है, अपना ही नाम यूज करती है, लैला इज अ गुड गर्ल। उसके बाद क्या बोलती है, नाउ सिलेक्ट सम लाइंस एंड कॉपी इट। ठीक है, लैला क्या बोलती है, लैला इज अ गुड गर्ल को अगर हम गर्ल को सिलेक्ट किए, गर्ल को सिलेक्ट करके हम कॉपी कर लिए, उसके बाद देन गो टू होम मेनू, होम मेनू में जाइएगा, वही देखते हैं डिस्प्ले में। मान लीजिए लैला इज अ गुड गर्ल को हम इसको कॉपी कर लिए, ठीक है, सेलेक्ट किए इसको, लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट किए और गर्ल को कॉपी कर लिए, गर्ल को कॉपी करने के बाद कहाँ जाएंगे, होम मेनू में। ठीक है, होम मेनू में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में दिया होगा पेस्ट कमांड। ठीक है, पेस्ट कमांड में क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर जहां होगा पेस्ट कमांड वहां जाके हमको पेस्ट कर देगा। ठीक है, मतलब जो मेरा है ये कर्सर, ये कर्सर देखते हैं जब ऐसे ब्लिंक करता है कर्सर, ऐसे कोई भी लाइन जैसे कुछ लिखे उसको कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो कर्सर जहां भी रहेगा जो हमको पेस्ट करना है वो जाके वहीं भी पेस्ट होगा। ठीक है, हम पेस्ट कमांड में क्लिक करेंगे तो जो मेरा कर्सर जहां पे होगा तो वहीं जाके मेरा पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टेप देखते हैं। नाउ चूज ऑन पेस्ट कमांड, जब हम लोग पेस्ट कमांड में चूज करेंगे मतलब क्लिक करेंगे, पेस्ट कमांड में क्लिक करेंगे, एज रिजल्ट योर ऑल कॉपी आइटम विल बी पेस्ट, मतलब लैला इज अ गुड गर्ल, मतलब गर्ल को हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी किए, अब गर्ल यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंक कर रहा है तो गर्ल मेरा इसी के आगे आके पेस्ट होगी। ठीक है, तो पेस्ट कमांड का जनरली यही यूज होता है। ठीक है, और कोई यूज ही नहीं है, किसी भी चीज को काटेंगे कॉपी करेंगे तो उसको क्या करेंगे, किसी चीज को काटेंगे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं कुछ, यहाँ नहीं, कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी से लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही थकता, प्रैक्टिकल में इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट मैंने देखा जो चैनल का सब है जो अमाउंट 41 पे ही रुका हुआ है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन मेरा 41 ही है, तो एक सप्ताह से 41 है, ऐसा क्यों सर बताइए। लैला मैडम आपसे पूछना चाहती है, लैला मैडम आपसे पूछ रही है कि क्यों भैया, क्यों एक सप्ताह से मेरा सब्सक्रिप्शन 41 पे ही अटका हुआ है, हाँ कुछ तो आगे बढ़ाइए। लैला मैडम परेशान हो रही है, लैला मैडम बोलती है कि क्या होगा मेरा, इतना मेहनत से पढ़ाती हूँ मैं तो क्या होगा मेरा। ठीक है, जनरली हम लोग रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम में तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगता, मेहनत हम जानते हैं किसमें लगता है, लिप मैच करने पे, कोई भी डायलॉग या कोई भी लाइन बोलते हैं तो उसमें लिप मैच करने के लिए हम लोग को मेहनत लगता है, लेकिन
पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगता है लेकिन सबसे ज्यादा उसी में कम आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई रील्स बनाना है किसी भी गाना के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेशन करूंगा, लिप मैचिंग करूंगा, लेकिन पढ़ाने के लिए मुझे कंटेंट खोजना पड़ता है। उसके बाद कंटेंट खोजने के बाद कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म है मैं आपको समझाऊं ताकि आपको समझ में आए, कौन सा मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखूं जो आपको समझ में आए, कौन सा मैं आपको सिंपलेस्ट स्टेप बताऊं जो आपको समझ में आए, शॉर्टकट की क्या बताऊं जो आपको समझ में आए। तो इतना मेहनत हम लोग करते हैं तो कुछ मेहनत आप भी दिखाइए, ठीक है। इतना मेहनत अगर मैं करूंगा तो कुछ तो मैं आपसे मांगूंगा ना। मैं आपसे बस यही बोलना, कुछ ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये 6 से 7 हजार का कोर्स है, मतलब 3 हजार से लेकर 7 हजार का कोर्स है ये। जनरली आप कहीं सीखने जाइएगा तो 3 हजार से लेकर 7 हजार तक लेगा, और मैं आपको आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, उन गरीब बच्चों के लिए जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं। तो आप ज्यादा ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पहुंच सके, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए आज क्या पढ़ना था, आज हम लोग को देखना था एमएस वर्ड में होम मेनू। आइए एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड में लेफ्ट क्लिक किए, ठीक है, ये रहा मैं एमएस वर्ड का इंटरफेस। भाई देखते हैं इसमें क्या करना, आज हम लोग को क्या पढ़ना, होम मेनू। ये देखिए, ये होम मेनू का जितने भी ये सारे कमांड्स होम मेनू के, मैं एरो देखते जाइए, ये जितने भी कमांड्स हैं सारे होम मेनू के कमांड्स हैं, ठीक है। आज हम लोग यही सब में से पढ़ेंगे। तो आज का क्या टॉपिक है होम मेनू में, आज क्या पढ़ेंगे, अंडू कमांड। अंडू कमांड क्या होता है, जनरली किसी भी जैसे कोई भी मूवमेंट हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ पीछे गिर गया, तो हम लोग एक स्टेप पीछे आते हैं उसे उठाने के लिए, तो जनरली बस यही करते हैं हम लोग अंडू कमांड। भाई देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे कैसे, हम लोग शॉर्टकट डॉक्यूमेंट बना तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इंटर। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग अंडू कमांड के लिए क्या करेंगे। शॉर्टकट की क्या था, पैराग्राफ बनाने के लिए इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इंटर। ये देखिए मेरा पैराग्राफ आ गया, अच्छे से देखिए, ये जो मेरा पैराग्राफ है वो आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम कोई पैराग्राफ, जैसे ये बीडी पैराग्राफ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके हम लोग लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से कट कर देंगे तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। ये अगर डिलीट हो गया, मान लीजिए कोई एमरजेंसी आएगा उस वर्ड को, उस पैराग्राफ को फिर से लाना, तो हम क्या करेंगे, अंडू कमांड का यूज करेंगे। देखिए जनरली अंडू कमांड का सिंबल यहाँ पे है, ठीक है, ये दिखा अंडू कमांड। और अंडू कमांड का ये शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस जेड। आप कंट्रोल प्लस जेड हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे तो देखिए जो मेरा डिलीट हुआ था वो फिर से आ गया, मतलब जो एक स्टेप हम आगे बढ़ गए थे उसको एक स्टेप बैक कर दिया, ठीक है। तो अंडू कमांड में जनरली यही कहते हैं। अब आते हैं रीडू कमांड। रीडू कमांड में क्या है, दिस कमांड इज यूज टू मूव वन स्टेप फॉरवर्ड इन करंट एक्शन, ठीक है। किसके इसमें क्या बोला है, फर्स्ट प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। हम लोग पहले अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, मेरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरा प्रिपेयर हो गया। अब क्या बोला है, नाउ सेलेक्ट एंड डिलीट इट। मान लीजिए इस बीच वाले को भी हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, सेलेक्ट किए इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्रेस कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड प्रेस किए तो ये वापस आ गया, ये अंडू कमांड था। उसके बाद नाउ अगेन प्रेस वाई करेंगे तो ये फिर से डिलीट हो गया, मतलब एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए, ठीक है। जो कंट्रोल जेड से हम लोग एक स्टेप पीछे आए थे तो उस स्टेप से हम लोग फिर से आगे बढ़ गए, इसी को हम लोग रीडू कमांड कहते हैं। मतलब कंट्रोल जेड से हम लोग पीछे चले गए, ठीक है, और कंट्रोल वाई से हम लोग आगे आ गए, ठीक है। रीडू अंडू का बस यही यूज है, एक स्टेप आगे जाना, एक स्टेप पीछे आना, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन सा कमांड था, कट। कट मतलब आप लोग जनरली समझते हैं कुछ कट करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए हमको ये जो लाइन्स है, ये मोस्टली जो बीच वाला पैराग्राफ है, ये कुछ एरर आ गया इसमें या कुछ गलत लिखा गया, तो मान लीजिए इसको हटाना था, या क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट प्रिपेयर और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बना लेंगे। मान लीजिए इसको हमको हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, देन सेलेक्ट लाइन्स, जिस लाइन को हटाना है उसको सेलेक्ट किया, हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद देन गो टू होम मेनू, होम मेनू में जाएंगे, ये रहा मेरा होम मेनू। उसके बाद एंड चूज ऑन कट कमांड, ये जो कट कमांड है फर्स्ट में जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एज रिजल्ट योर सेलेक्टेड लाइन विल बी कटेड, ये जो बीच में मेरा लाइन था ये कट हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑल द कट आइटम इन प्रेस कंट्रोल प्लस बी, मतलब हम इसको काट दिए तो कहीं ना कहीं काट के तो सेव हुआ होगा, मान लीजिए हम इसको हम यहाँ देखेंगे कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोग कट किए थे उसको उठा के यहाँ पे चिपका दिए, मतलब काट के इसको बीच से काट के यहाँ पे चिपका दिए, कट कमांड का यही यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं कॉपी कमांड। जैसे
हम लोग क्या बताए थे, जैसे लैला, हम लोग लैला को कट और कॉपी करेंगे। जैसे लैला लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, लैला को बड़ा कर लिए, ठीक है। अब लैला क्या करेंगे, लैला को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी से, ये शॉर्टकट के कंट्रोल सी, या फिर इसको सिलेक्ट करेंगे लैला को, और यहाँ क्या जाके कॉपी में जाके इसको कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी है, इसमें जाके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है, अब कहीं हमको बीच में लैला का जरूरत पड़ गया कि हमको यहाँ पे लैला को फीड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जनरली जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए पेस्ट का ऑप्शन, ये पेस्ट का ऑप्शन है, और जब हम लोग अगर सिंपली यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा तो कंट्रोल प्लस भी आएगा, इससे हम करेंगे पेस्ट। तो देखिए लैला पेस्ट हो गई, लैला जो है इस पैराग्राफ में पेस्ट हो गई, ठीक है। अब कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू जाएंगे, मतलब एक स्टेप पीछे जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करेंगे, जो शॉर्टकट ये पेस्ट करने का कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट किए तो लैला पेस्ट हो गई, ठीक है, और कॉपी में यही था। और सेकेंड स्टेप क्या है, पेस्ट। पेस्ट तो हम लोग देख लिए, मान लीजिए हम लैला को सिलेक्ट किए, ठीक है, और कहीं और पेस्ट करना है, सिलेक्ट करके लैला को कॉपी कर लिए, यहाँ से कॉपी किए, अब लैला को मान लीजिए यहाँ पेस्ट करना था, क्या जाएंगे पेस्ट कमांड में जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ लैला पेस्ट हो गई। मान लीजिए यहाँ पेस्ट बीच में पेस्ट करना है, तो लैला तो कॉपी कर चुके हैं हम लोग, अब पेस्ट कमांड में जाके ओके करेंगे, देखिए लैला बीच में पेस्ट हो गए। तो कट पेस्ट का यूज यही होता है, आप लोग जनरली लाइफ में देखेंगे कि कट पेस्ट का क्या यूज है, ठीक है। बस इतना ही देखना था आज, थैंक यू।